शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छोड़ मुझे, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है और मुझे सबके लिए नाश्ता बनाना है। हमारे परिवार के रूल्स थोड़े मॉडर्न हैं। हमारे यहाँ कोई रसोई की पहली रस्म नहीं होती, यहाँ सिर्फ एक ही रस्म होती है। वो क्या? अपने पति को खुश रखना। अरे क्या, छोड़ो छोड़ो। हाँ छोड़ो भी ना, पूजा भाभी अकेले नाश्ता बना रही है सबके लिए। अरे मुझे उनकी हेल्प करनी है। वो कर लेंगी ना। अरे नहीं छोड़। गुड मॉर्निंग भाभी। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई, जाओ जाके आराम कर लो। नहीं भाभी, आप अकेले काम कर रही हैं और मैं। अरे माधुरी, मुझे अकेले काम करने की आदत है और ये तुम्हारा भी घर है, इसलिए फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ माधुरी? भाभी वो अभी तक होड़ों के अलावा किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं किया ना, तो इमोशनल हो गई थोड़ा। पहले जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ, इस घर में तुम्हें सिर्फ प्यार ही प्यार मिलेगा। अब जाओ, थोड़ा अपने पति के साथ वक्त गुजारो। देखा, अब तो भाभी ने भी ऑर्डर दे दिया, अब तो तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। क्यों अभी? देवर जी, तुम्हारी दुल्हन बहुत शर्मीली है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिन अपने मायके हुए हूँ ताकि तुम दोनों को प्राइवेसी मिल जाए। ये भाभी गई, ये गुलाब मेरी गुलाबों के लिए। मुझे रोज बहुत पसंद है। और मुझे ये रोज तुम्हारे पालों में पसंद है, बहुत प्यारे लग रहे हो। रोज के साथ? रोज के साथ। ये क्या है? मुझे तुम्हें देखने दो। तुम चुपचाप से, मैं दे रही हूँ ना। तुम ये खाओ, मेरी बीवी ने अपने हाथों से बनाई है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। अच्छा जी। ट्राई करो। सही। माधुरी, गुड न्यूज, शी इज प्रेग्नेंट। अब तुम बैठो ना माधुरी, आराम से। ठीक हो ना? हाँ। और हाँ, अब तुम्हें सिर्फ अपना ही नहीं, इस बच्चे का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल भाभी, आप और अक्षय है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। Of course, हम है ना। माधुरी, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो, खाना मैं बनाती हूँ। जी भाभी, ठीक है। माधुरी प्रेग्नेंट हो गई है, उसे इतना मत चिपको। ये लोग बोले कि तुम मेरे हो,
आई नो तुम्हारे लिए हम दोनों को एक साथ देखना आसान नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी आई ओनली लव यू। सच? ऑफ कोर्स। हमारा काम हो गया है, माधुरी प्रेग्नेंट हो गई है और तुम दोबारा उसके करीब नहीं जाओगे, समझे? अच्छा तो किसके करीब जाओ? ब्लू कलर के शर्ट में आप बहुत हैंडसम लगते हैं। अच्छा थैंक यू। अच्छा सुनो ना, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो ना। हाँ? मुझे चाइनीज खाने का बहुत मन कर रहा है, साथ में चलते हैं ना। नहीं यार आज मैं बहुत लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे बहुत काम है। तुम एक काम करो ना, पूजा भाभी को बोल दो वो तुम्हें ले जाए। पर मुझे पूजा भाभी के साथ नहीं जाना है, मुझे अपने पति के साथ जाना है। इतनी सी बात पे नाराज क्यों हो रही हो? वो ले जाएंगी तुम्हें, मैं लेट हो रहा हूँ ना। नहीं मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तुम हमेशा कुछ ना कुछ बहाना करके चले जाते हो। इससे पहले तो तुम हमेशा मेरे साथ अकेले वक्त बिताते थे और कहीं ना कहीं से टाइम निकाल लेते थे ना। अब क्या हुआ है मुझे पता है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तुम्हारे नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं रही। ऐसा नहीं है माधुरी, आई एम सो सॉरी। और देखो मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मैं काम में इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे प्रमोशन मिले, और ये हमारा ही जो बच्चा आएगा उसके लिए फिर जिम्मेदारी भी तो बढ़ जाएगी मेरी। लेकिन खुश नहीं, तुम मुझसे झगड़ो मत, मुझे समझो। देखो शिट मैं बहुत लेट हो गया, मुझे जाना होगा, तुम प्लीज ना ध्यान रखना, मिलता हूँ। बाय बाय। दीदी ये देखो मैंने बेबी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। अरे वाह, आने वाली बेबी के लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आई हो, और बेबी की मम्मा के लिए क्या लाई हो? लाई हो ना बेबी की मम्मी के लिए भी बहुत सारी बुक्स लेकर आई हूँ। बेबी की मम्मी के लिए बेबी वाला बुक? हाँ एक्चुअली मैंने इसमें पढ़ा है कि प्रेगनेंसी में बहुत तकलीफ होती है, मॉर्निंग सिकनेस एंड वगैरह वगैरह। आपको भी होता है क्या ये सब? हाँ होता तो है, लेकिन ये दर्द जो है ना आने वाली खुशी के आगे बिल्कुल भी नहीं है। ओ गॉड जीजू, आपको बोलने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी दीदी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, उसे जब खट्टा खाने का मन हो ना तो इमली खिला देना। मुझे खट्टा नहीं, मुझे तो मीठा खाने का मन है। वो सिनेमा हॉल के पास जो मिठाई भंडार है वहां मुझे लेके चलेंगे क्या? हाँ हाँ जर... मैं ले चलूंगी, अक्षय का तो कल ऑफिस है ना। अरे हाँ थैंक यू सो मच भाभी, अरे कल मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है यार। माधुरी डॉक्टर ही चला है क्या? नहीं बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। चलो माधुरी मैं ले चलती हूँ तुम्हें रूम में। भाभी मैं लेकर जाती हूँ ना। ये आपकी भाभी आपके और जीजू के बीच में इतना क्यों आ जाती है? जो काम जीजू को करना चाहिए वो काम वो कर रही है। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव है और कोई बात नहीं होगी। सच में ना दीदी, आप फिर से कहीं जरूरत से ज्यादा अच्छे तो नहीं बन रही हो ना? खुश तो हो ना आप यहाँ? हाँ पागल यहाँ बहुत खुश हूँ, तो बिल्कुल टेंशन ना ले मेरी है ना। उरी तू भी ना। अरे क्या पढ़ रही हो, सो जाओ। बहुत ज्यादा थक गया हो यार माधुरी, नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। माधुरी रो क्यों रही हो, क्या हुआ? आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा ना, आपको मैं पसंद नहीं हूँ ना। क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ आप मुझसे कटे कटे रहते हो और संडे को भी जाके ऑफिस में काम करते हो,
अब मैं मोटी हो गई हूँ ना, इसलिए आपको मुझ पे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अरे ऐसा नहीं है बाबा, तुम मोटी नहीं प्रेग्नेंट हो, और मुझे तुम आज भी उतनी ही प्यारी लगती हो। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो माधुरी। तो फिर आप मुझसे इतना कटे कटे क्यों रहते हो? काम में बिजी था यार, और कुछ भी नहीं। और ओके, लेट मी मेक इट अप टू यू।